हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं निक्कर। ये हमारा 25 सेंटीमीटर कपड़ा है और इसमें से हम 12 साल के लड़के के लिए भी निक्कर बना सकते हैं। तो देखिए, हमने कपड़े को अभी दो लेयर में रखा है। ये हमारी अर्ज की साइड है। इस तरीके से एक बार हमने इसे कर लिया है दो लेयर में, बिल्कुल एक सार कर लेंगे। और इसे लड़का या लड़की कोई भी घर में पहन सकते हैं। और फिर इसे कपड़े को फुल लेयर में करना है इस तरीके से। अब सबसे पहले देखिए क्या करना है। यहाँ से हमें अपने पैर का निशान लगाना है। तो हमारी जो भी सातर की चौड़ाई आप उस हिसाब से ले लें। हमारी 17 इंच है तो 17 में आएगा 8.5, और 8.5 में हम 1 इंच लेंगे सिलाई के लिए, तो 9.5 इंच लेंगे। यहाँ से एक मार्क कर देंगे और यहाँ से हम अपना आसन लेंगे। तो आसन आप अपनी कमर के हिसाब से लें, जितनी भी आप कमर रखना चाहती हैं उस हिसाब से। तो हम इसकी कमर रखेंगे हम 30, 30 का थर्ड भाग लेंगे तो 10 आएगा। यहाँ पर 10 पर एक मार्क करेंगे और देखिए नीचे की तरफ आसन लेंगे। तो यहाँ पर हमें इसमें इलास्टिक डालनी है। वैसे तो हम 10 पर ही लेते, लेकिन इसे हम 12.5 इंच पर लेंगे क्योंकि 2.5 इंच हमारा ऊपर से फोल्ड होगा। और यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है अंदर की तरफ। और अब यहाँ से देखिए इस तरीके से एक मार्क कर लेंगे। अब इसमें यहाँ पर हमें 1.5 इंच पर एक कर्व देना है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से 1.5 इंच पर गोलाई करनी है और इस निशान को हमें इस निशान से इस तरीके से मिलाना है। इस निशान को हमें इस तरीके से मिलाना है और यहाँ पर इसकी गोलाई कर देनी है। तो अब इसी तरीके से हमें ये कट करना है। इसकी बहुत ही सिंपल कटिंग है। और आप चाहे तो इसमें म्यानी लगा सकती हैं। हम इसमें म्यानी नहीं लगाएंगे, कपड़ा बहुत हैवी है हमारा और इस तरीके से इसका घेर भी काफी है। ये बीच से जॉइंट है, इसको भी अलग कर लेंगे यहां से। अब देखिए इसकी कटिंग हो चुकी है इस तरीके से। आप चाहे तो इसमें जेब भी लगा सकती हैं, यानी पॉकेट। हमने पॉकेट वाला भी बनाया हुआ है, उसकी वीडियो हमने अपलोड कर दी है। आप हमारे चैनल पे देख सकते हो पॉकेट वाला किस तरीके से बनाते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसके दोनों आसन जॉइंट हो जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले हम इसके दोनों आसन सिलेंगे। सीधा करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे दबाने वाली। और अब देखिए दूसरा आसन जॉइंट करने से पहले यहां से थोड़ा सा कॉर्नर फोल्ड करेंगे और इसी तरीके से दूसरे पीस का भी कॉर्नर फोल्ड करेंगे। अब ये दोनों कॉर्नर हमने फोल्ड कर लिए हैं। उसके बाद में हमें इसका आसन जॉइंट करना है। अब ये वाला आसन भी जॉइंट करेंगे। यहाँ से थोड़ा पतला करके लेंगे। आप चाहे तो इसमें डोरी डाल सकते हो या फिर लास्टिक। ऊपर भी दबाने वाली सिलाई लगा लेंगे खोल के। अब
अब देखिए इसका नेफा फोल्ड करेंगे। हमारे इसमें किनारी आई हुई है तो हम इसे ऐसे ही फोल्ड करेंगे। अगर आपके में किनारी नहीं है तो पहला फोल्ड हाफ इंच पे लें और दूसरा एक इंच पर, और तब इस तरीके से पूरे में राउंडली सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हम ये पूरे में सिलाई लगाएंगे। सिलाई को बिल्कुल एक सार लगाना है, कम ज़्यादा नहीं करें वरना झोल आ जाएगा। यहाँ से देखिए बिल्कुल एक सार आया है। और यहाँ से भी इसे पक्का कर लेंगे ताकि ये उधड़े ना। अब देखिए इसका नेफा पूरा फोल्ड हो चुका है। अब इसके बॉटम से फोल्ड करेंगे इसे। यहाँ से इस तरीके से पहला फोल्ड हम हाफ इंच पे लेंगे और दूसरा फोल्ड भी हम हाफ इंच पे लेंगे। ज्यादा फोल्ड नहीं करना है हमें नीचे से। इसी तरीके से ये फोल्ड करना है। और जिस तरीके से हम ये वाला बॉटम फोल्ड कर रहे हैं इसी तरीके से हमें दूसरी साइड का भी फोल्ड करना है। इसी तरीके से देखिए हम दूसरे को भी फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए इसे नीचे से सिलेंगे तो इसका हम ये हिस्सा नाप लेंगे। जितना आप इसे खुला रखना चाहते हो उस हिसाब से रखें। हम ये 8.5 इंच रखेंगे। हमारा ये 17 इंच है तो यहाँ से हमें ये 8.5 लेना है। एक मार्क कर लेंगे 8.5 पर, और इतना ही हमें इस दूसरे वाले पैर को लेना है, इस पर भी मार्क कर लेंगे। पहले हमें दोनों के ऊपर मार्क कर लेना है। अब इसके ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई को पक्का करके लगाएंगे। आसन को बिल्कुल आसन से मिलाएंगे। ये मार्क हमने पहले इसीलिए कर लिया है और यहाँ से इसी तरीके से यहाँ से भी पक्का कर लेंगे। अब इसे सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद देखिए यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगानी है क्योंकि इसमें म्यानी नहीं है, और डबल सिलाई लगाएंगे तो ये पक्का मजबूत रहेगा वरना यहाँ से खींचने का डर होता है। तो सबसे पहले देखिए इस तरीके से रखेंगे इसको, इस पैर के अंदर से इस तरीके से रखेंगे। और इसे इसी तरीके से करते हुए कपड़े को एक साइड में ही दबाते चलेंगे। कोई कपड़ा ना दब जाए अच्छे से इसमें सिलाई लगा लेंगे। और अब यहां से देखिए फिर से सिलाई को हमें इसी तरीके से घुमा लेना है। इसी तरीके से एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए एक और सिलाई लगाएंगे ताकि अच्छे से मजबूत हो जाए। इस जगह को अच्छे से खोल के सिलाई लगानी है। अब ये देखिए पूरा निक्कर हमारा बनके कंप्लीट हो चुका है। ये किस तरीके से बनाया है हमने आपको बता दिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं।
ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और ये निकर बहुत ही आसानी से बन जाता है, एक बार ट्राई ज़रूर करें। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।